अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अभी रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सीख कबाब। अच्छा, ये मैंने ना पहले ही बना के रखने थे, जब मैंने माह रमज़ान से पहले वाली तैयारी की थी तो मैंने सोचा था मैं पहले बनाऊँगी, लेकिन मेरे पास कीमा नहीं था तो मैं एक दिन पहले लेकर आई थी, तो अब मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनको मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल दिया है। अच्छा, मैंने ना एक गलती ये की थी कि मैंने छोटा वाला चॉपर ले लिया था तो कीमा और चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा एक को मैंने ख़राब कर लिया तो चलो इसी में बना लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि ज़रा टाइम ज़्यादा लगा था और मैंने अलग अलग इनको सबको मिक्स किया था, लेकिन बड़ा चॉपर हो तो बड़ा इजी रहता है। अच्छा जी, आधा किलो कीमा लिया है, दो ब्रेड के स्लाइस हैं और ये आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का प्याज है, तो इसलिए मैं, आप देखेंगे, इनको अलग अलग चॉप कर रही हूँ। अच्छा, प्याज को हमेशा अलग चॉप कीजिएगा, उसका रीज़न ये होता है कि इसका पानी जो है ना वो सारा एक्स्ट्रा निकालना है, किसी छलनी में आप निकाल लें, क्योंकि फिर आपने देखा होगा कि हम जब भी बनाते हैं कबाब बनाते हैं, फ्राई करते हैं, तो उनका साइज़ छोटा हो जाता है और वो इतने मज़े के बनते ही नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं मिर्चें, वैसे मैंने एक दो और भी एक्स्ट्रा डाली थी। अच्छा, जब मैं आपको स्पाइसेस का बताती हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं बताती कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये प्याज, इनका अच्छी तरह से मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया। एक टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने मिर्चों को भी अलग से चॉप किया, इसमें मैंने प्याज डाल दिए, उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और ब्रेड क्रम्स, कीमा। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ, रीज़न सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया कि चॉपर छोटा था, ये एक मिस्टेक हुई कि बड़ा वाला मैंने नहीं निकाला था। अच्छा जी, खैर, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सबको चॉप कर लिया और फिर एंड वाला जो था ना, इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया था और इसको भी मैं यहाँ पर चॉप कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और मसाले, आप अपनी मर्जी से डालिएगा, लेकिन ये काफ़ी मज़े के स्पाइसी बने थे। लाल मिर्चें दोनों डाली हैं, कुटी हुई ज़रूर डालिएगा, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें और उसके साथ एक टेबलस्पून भर के आपने डालना है इसमें तिक्का मसाला। मैं तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला मिक्स करके अक्सर रखती हूँ, तो ये मैंने डाल दिया, इसलिए कलर में आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। काली मिर्चें भी मैंने डाली हैं। अच्छा, हरी मिर्चें जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, तेज़ हैं, तो इसलिए मैंने जितनी डाली हैं आप देख लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डालिएगा। और इसमें मैंने डाला है एक टेबलस्पून भर के मक्खन का, क्योंकि ये चिकन के कबाब बन रहे हैं तो इनमें फ़ैट इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपके पास फ़ैट वाला कीमा है तो फिर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास फ़ैट वाला कीमा नहीं है या फ़ैट एक्स्ट्रा नहीं है तो आप इसमें मक्खन डाल लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने मैरिनेट करने के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था और ये मैंने कुछ घंटे रख दिया था और उसके बाद मैंने फिर इसके बनाए थे कबाब। अच्छा, ये जो कबाब है ना, आप इनको बारबेक्यू के तरीके से भी बना सकते हैं, आप इनको तवे पे बना सकते हैं, ओवन में, एयर फ्रायर में, जिस तरह आपको सही लगे आप बना सकते हैं। मैं आज किस तरह से बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक स्पून ले लिया है, मेरे पास अभी यही अवेलेबल था क्योंकि सीख है मेरे पास है नहीं। अगर आपके पास सीख है, कुछ भी ऐसा है, तो आप उसी पे ही बना सकते हैं। तो मैं इस पे ऑयल लगा के और शेप दे के बना रही हूँ। दो चार मैंने ज़रा बड़े साइज़ के बनाए थे, बाकी मैंने नॉर्मल बनाए थे। तो ये देखें, फिंगर से इस तरह आप इनको प्रेस करते जाएंगे ना, तो बिल्कुल वैसे बनते हैं जैसे कि आप फ्रोज़न लेते हैं या बाज़ार से लेते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, बिल्कुल बाज़ार के जैसे मिलते हैं ना स्पाइसी से, बिल्कुल वैसे होते हैं। और मिर्चें इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक तो आपने कुटी भी डालनी है, दूसरा आपने हरी मिर्चें डालनी है। अगर बहुत तेज़ हैं तो आप उसी तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको हल्का हल्का तवे पे सेंक लिया था और उसके बाद मैं इसको एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए रखूँगी। अच्छा, मेरे पास कोयला नहीं है, अगर आपके पास कोयला हो तो आप कोयले का धुआं दे सकते हैं, या आप वैसे भी इसको इंजॉय करेंगे तो ये बड़े मज़े का जो है ना वो बनता है। और कबाब बनाने से पहले आप एक दो फ्राई करके चख लें, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो तो आप उस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इस तरह से मैंने रख दिया था ग्रिल पे, डायरेक्ट फ्लेम पे रख दिया था, लेकिन फ्लेम बिल्कुल लो था, लो टू मीडियम पर मैंने रखा था, और इसलिए मैं ये स्मोकी फ्लेवर देने के लिए सिर्फ ये स्टेप कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है, तो इसलिए मैंने ये रात के टाइम किया था।
और रात के टाइम फिर इजीली हो जाता है, अदरवाइज रोज़े के साथ फिर बाकी तैयारी होती है, काफ़ी काम होते हैं, तो इसलिए नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं ये रात के टाइम सारा काम कर रही हूँ। अच्छा ये ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे फ्रीज़र में जगह ही इतनी है इसलिए ये मैंने बनाया, और आप देखिए माशाल्लाह आधा किलो कीमे के साथ कितने सारे कबाब रेडी हो गए हैं। ये सारे काम मैंने साथ साथ किए थे, फ्राई भी कर रही थी साथ साथ इनको ग्रिल भी कर रही थी, और उसके बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया था। थोड़ी देर रख लें बाहर, बिल्कुल जब ठंडे हो जाएं फिर आप इनको ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें। ये मैंने तकरीबन 80-90% कुक कर लिए हैं, फुल कुक नहीं है, तो जब बस मुझे खाने होंगे मैं निकाल के इसको दोबारा से एयर फ्रायर में या वैसे ही तवे पे बना के या माइक्रोवेव में भी गर्म करके इनको इंजॉय करेंगे। घर में माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू थी ना, ऐसे लग रहा था घर में ही बारबेक्यू हो रहा है। तो ये देखें जी ये रेडी हो गए, और अभी इनको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। अभी जोहर का टाइम है और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर अपनी इफ्तारी की तैयारी शुरू करनी थी, तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मौसम माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आजकल बैकयार्ड हमने सारा साफ़ कराया ना, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बीच में एक दो दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, तो कुछ ना कुछ फिर उड़ के आ जाता है, लेकिन वैसे माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं देखती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा मूड अच्छा होता है ग्रीनरी देख के, और इस तरह से सब जो व्यू होता है ना ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी अब चलते हैं किचन में और करते हैं इफ्तारी की तैयारी। मैंने अभी निकाला है जी चनों का पैकेट, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैं इसको पैन में ही रख रही हूँ। वैसे अगर आप पहले निकाल के रख लें तो ये बड़ा जल्दी बन जाता है। ये जो मैंने माह रमज़ान से पहले आपके साथ शेयर किया था ना, मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, वो इसीलिए होती है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप ये डेली बेसिस पे इस तरह नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए आपका टाइम बहुत बच जाता है। साथ मैंने छोटे छोटे आलू काट के भी रख लिए, और मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था और ढक के रख दिए थे। अच्छा जी तो अभी मेरी सॉफ्टीज जो है ना किचन वाली वो टूट गई, और लकीली मैंने एक एक्स्ट्रा ले के रखी हुई थी, तो मैं अभी फ़ौरन ये लेकर आई हूँ, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, बस मैं चला रही थी यूज़ कर रही थी, तो अब ये है कि जैसे ही टूटी काम करते हुए तो मैंने कहा चलो जी निकाल के लाएं। ये मैं गई थी एक बार बीच में आपके साथ मैंने शेयर भी की थी, ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तो आज मैं बड़ी खुश हुई कि शुक्र है मेरे पास एक रखी हुई थी। फर्श काफ़ी ठंडा होता है तो आप ऐसे ठहर ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पे ना कोई रग वगैरह मैं पहले सोचती थी कि मैं डाल लूँ, लेकिन किचन छोटा है और चीज़ें इतनी ज़्यादा गिरती हैं, मतलब पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है डबल सफाई करनी पड़ जाएगी मुझे। तो ये देखें जी ये मैंने नई सॉफ्टीज पहन ली हैं, और ये बड़ी सॉफ्ट हैं, और जब आप नए जूते पहनते हैं इस तरह सॉफ्टीज पहनते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आपको ठहर के काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो चने आलू चने जो हैं वो भी यहाँ पे सॉफ्ट ऑलमोस्ट तो हुए हुए थे, बस आलू थोड़े से गलने थे तो वो गल गए हैं। साथ साथ चीज़ें बना बना के मैं टेबल पे रख रही हूँ, और मैं यही सोच रही थी कि मैं आज जल्दी जल्दी काम करके, और उस्मान ने जाना था तो उनको भी मैंने पैक करके देना था, तो मेरा यही था कि मैं टाइम से पहले या टाइम तक जो है वो सारे काम कर लूँ। तो पकोड़ों के लिए मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, प्याज आलू वाले भी बनाऊँगी, और आलू के स्लाइस वाले जो बनते हैं ना आलू वाले पकौड़े वो भी मैं बनाऊँगी। आलू मैं लेकर आई थी इस बार तो वो ज़रा छोटे हैं साइज़ में, मैं अब उस्मान को कह रही थी, मेरा तो फ़िलहाल मुश्किल है चक्कर लगे, तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप जो है ना आज या कल में बड़ा वाला पैक ले आएं जिसमें ज़रा बड़े साइज़ के आलू होते हैं, तो उनके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। आज जी मैं पकोड़े और फ्राइंग का जो काम है ना वो फ्राइंग पैन में ही करूँगी, कल मैंने जल्दी में उसमें कर लिया था, टाइम भी बहुत लगा था और ज़रा तंग भी हो रही थी। मैं काफ़ी कोशिश करती रही मुझे छोटी कढ़ाई मिल जाए छोटे साइज़ में, लेकिन मुझे नहीं मिली, तो खैर अब इसी में ही हम बनाएंगे पकोड़े और फ्राइंग का काम करेंगे। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने लिए जो भी चीज़ बनाती थी एयर फ्रायर में बनाती थी, लेकिन इस बार मेरी रूटीन बहुत चेंज है तो मैं डबल नहीं बना सकी, क्योंकि आपने देखा है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं करूं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि खैर है क्वांटिटी कम कर लूंगी या
टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा निकाल लूँगी, लेकिन इसी तरह ही ठीक है। दो दो फिलहाल नहीं होते, हाँ छुट्टी वाला दिन हो या आप मैनेज कर सकें तो अच्छी बात है। तो लास्ट ईयर तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने अपना सारा फूड एयर फ्रायर में ही बनाती रही थी। उस्मान के लिए फिर भी फ्राई कर लेती थी, लेकिन अपने लिए बनाती थी। तो अभी तो फिलहाल ये रूटीन है, देखेंगे जी, रूटीन तो चेंज होती रहती है, कौन सा सब कुछ सेम रहता है। अच्छा, आज ना मैंने ये रोल भी फ्राई किए थे, ये मैंने खुद जो बनाए थे घर में, और ये आप देखें कितने मज़े के बने हैं। ये जो वो मैंने पैनकेक स्टाइल में बनाए थे ना, ये उस तरह के हैं, ये बड़े मज़े के बने हैं, ये स्प्रिंग रोल्स हैं। और बस मैं इतना ही बनाती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इफ्तारी के टाइम पे रोटी भी साथ रख लेती हूँ, तो आधी रोटी खानी हो, जितनी खानी हो तो वो भी खाई जाती है। तो साथ साथ आटा गूंद रही थी मैं। आटा मैं इसलिए गूंद रही थी कि मुझे उस्मान को सारा बैग पैक करके देना था, और अभी आटा थोड़ा सा कम रखा हुआ था, तो मैं कोशिश करती हूँ ख़त्म होने से पहले मैं गूंद लूँ, क्योंकि ये होता है आपको रोटी का पता नहीं चलता, तो जब आप बनाएं और आटा ख़त्म हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, और मेरी जो घर में जो भी इफ्तारी आप देखेंगे ना बनते हुए, या आप पहले देखते रहे होंगे जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उनमें आपने नोट किया होगा कि हमारे घर पकोड़े जो हैं वो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पूरा साल पकोड़े बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन माह रमज़ान में जो है ना वो रेगुलर माशाल्लाह से हमारे घर में पकोड़े बनते हैं, क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों मज़ा ही नहीं आता जब तक इफ्तार में पकोड़े ना हो। तो ये देखें जी, पकोड़ों का जो प्लेटर है वो रेडी हो गया है, और आज मैंने दोनों पकोड़े बनाए हैं। साथ मैंने जस्ट दो रोल्स फ्राई किए, क्योंकि चना चाट भी है, और फिर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता इफ्तार में या सहरी में कि आप इतना ज़्यादा ज़्यादा खाते रहें, ये चीज़ें भी बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि क्वांटिटी थोड़ी हो, लेकिन चीज़ें आपकी ज़रा हो जाती हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब चना चाट मैं इस तरह से बना रही हूँ कि मैंने आलू और जो चने बॉयल किए थे, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं सारा, जो मैंने प्याज टमाटर धनिया ये सारी चीज़ें काट के रखी थी, इसके ऊपर मैंने डाल दिया चाट मसाला, और इसमें सबसे मज़े का जो मुझे टेस्ट लगता है ना, वो लगता है इमली की चटनी का। तो इसके साथ मैंने हरी चटनी भी डाल दी है, थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैंने उस्मान को भी पैक करके दे दी, और मैंने खुद भी ये रखी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है, और उसके साथ इमली की चटनी डाल रही हूँ। और ये देखें कितने मज़े का जो है ना वो हमारी चाट रेडी हो गई है, इफ्तारी के लिए एक आइटम और भी रेडी हो गया है। अच्छा, आज ना ये बड़े मज़े की बनी थी, अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने अभी ये खाई है, बहुत बहुत मज़े की चटपटी वाली बनी थी। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई, और उसके बाद अब मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। तो आज शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज काम जो है ना वो मेरे टाइम पे कंप्लीट हो गए थे, और उसके बाद फिर उस्मान आ गए, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना वो अपने लिए अंडा बनाता हूँ, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, आप बनाएं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा जी, तो अफ्तारी जो है ना वो सारी बन गई, और मैंने अपनी यहाँ पे रख ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और बाहर इतना मज़े का ठंडा मौसम है, अभी मुझे शिवरिंग हो रही है, और मैं हीटिंग ऑन करने जा रही थी, अभी उस्मान गए हैं तो बारिश जो है ना वो एक मिनट मुझसे बोला नहीं जा रहा। अच्छा, उस्मान गए हैं ना तो बारिश अभी भी हो रही थी, और सही सही ठंडा वाला मौसम है, तो इसलिए मैंने पर्दे अभी यहाँ पे बराबर कर दिए, क्योंकि पर्दे अगर मैं ये हटा देती हूँ ना, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इससे ये होता है कि ठंड बहुत आती है, तो इसलिए पर्दे मैंने बराबर कर दिए। अभी मैं हीटिंग ऑन करने लगी हूँ, बाकी किचन जो है ना वो भी आप देख सकते हैं, बर्तन शर्तन सारे वॉश हो गए। वाली बॉटल मेरी जो है ना मेरे हाथ से गिरी है, टूट गई है, तो अभी मैं पानी भरूँगी, और अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। बेसिकली नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, अभी वैसे डेढ़ घंटा रहता है, लेकिन नमाज़ पढ़ लेते हैं। लाइट्स मैंने ऑफ़ की हुई हैं, तो ये है जी हाल। तो नमाज़ पढ़ते हैं, चीज़ें सारी ऑलमोस्ट समेट ली हैं, उस्मान भी गए हैं, तो बस सब कुछ बिखरा होता है, बाकी फिर इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद करेंगे इंशाल्लाह ताला।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थी मेरी आज की इफ्तारी और सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने वैसे रख दी थी, लेकिन चना चाट मैंने अभी खाई और पकोड़े भी जो है ना वो रात को खाने में एक दो जो बच जाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने आज वैसे रोटी खाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं चक्कर इतने आ रहे थे, तो मैंने जो है आज रोटी इफ्तारी में खाई थी। तो ये देखें जी, शाम हो गई, इफ्तार का टाइम हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम ज़रूर दुआ मांगा करें, थोड़ा सा टाइम निकाला करें। अल्लाह पाक आप सब की दुआएं, मेरी दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह ताला जी आपसे होती है कल मुलाकात। वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।